दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं अपने माय जियो ऐप से अपनी जियो की सिम को कैसे रिचार्ज करने वाले हैं। कंप्लीट जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में दूंगा, बिना स्किप करे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल सर्च में स्वागत करता हूँ। चलिए सीखते हैं। दोस्तों आज अपन सीखने वाले हैं माय जियो एप्लीकेशन से अपन कैसे अपने मोबाइल को रिचार्ज कर सकते हैं, मतलब कि जियो सिम को रिचार्ज कर सकते हैं। सभी प्लान की जानकारी भी आपको पूरी पूरी मिलेगी और कैसे रिचार्ज करना है कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहां देने वाला हूं। आपको करना क्या, तो सबसे पहले आपको करना है प्ले स्टोर को ओपन। जब प्ले स्टोर को ओपन कर लेंगे तो आपको सर्च करना है माय जियो। जब सर्च कीजिएगा तो आपके सामने ऐसा एप्लीकेशन आएगा जियो का, ऑफिशियल एप्लीकेशन माय जियो के नाम से। इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा और इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको कर लेना है ओपन। मेरे मोबाइल में ऑलरेडी प्लेस डाउनलोड है इसलिए मैं इसको ओपन करूँगा। जब ओपन कर लेंगे दोस्तों तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, आप देखिए। तो आपको करना क्या, नीचे लिखा हुआ नीले कलर में प्रोसेस, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अलाउ पे क्लिक कीजिएगा, अलाउ 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 सब पे क्लिक कर दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा हुआ इंटर मोबाइल नंबर, तो यहाँ दोस्तों आपको अपना जियो का नंबर डाल देना है। मैं अपना नंबर यहाँ पे डालूंगा, आपको अपना नंबर डालना है 9131। मैं अपना नंबर डाल रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको अपना नंबर डाल देना है, ठीक है। और नंबर डाल देने के बाद दोस्तों आपको करना क्या आपको बताता हूँ मैं, आपको क्लिक कर देना है जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। इस पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों कुछ सेकंड वेट करना होगा, ऑटोमेटिक ओटीपी आपके मोबाइल में आएगा और ये एप्लीकेशन चालू हो जाएगा कनेक्ट होकर, क्योंकि जियो की साइड से एक ओटीपी आता है। अब तो ध्यान दीजिएगा आपको करना क्या है, आपका नंबर आ चुका है, देख सकते हैं आपका नंबर लिखा आ चुका है। अगर यहाँ क्लिक करेंगे दोस्तों आपका यहाँ पे नाम भी लिखा आएगा ऊपर, जो आपका नाम होगा जिसमें सिम होगा वो नाम लिखा आएगा। आपको अब करना क्या दोस्तों, ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिचार्ज, इस पे क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको दोस्तों कुछ सेकंड वेट करना होगा, यहाँ पे सभी प्लानों की लिस्ट आएगी। तो यहाँ थोड़ी देर में वेट करेंगे दोस्तों, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर सभी प्लानों की लिस्ट आ चुकी है। 2 GB वाले प्लान दोस्तों देख रहे हैं आपके लिए, ये 1.5 GB पर डे वाले प्लान है, ये 1 GB पर डे वाले प्लान है, ये 3 GB पर डे वाले प्लान है और लॉन्ग टाइम्स वाले प्लान है। अब दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला प्लान इसमें लेना चाहते हैं। मान लो 2 GB वाला लेना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं ये पूरे प्लान है, इसमें लिखा हुआ है 2399 रुपये का ये प्लान है, इसकी पूरी वैलिडिटी लिखी हुई है, नेट कितना मिलना है, 2 GB पर डे मिलना है, अनलिमिटेड कॉलिंग मिलना है। जैसे दोस्तों 1 GB 1.5 GB वाले लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं 199 रुपये का प्लान है 28 दिन के लिए, है ना, और इसमें आपके लिए 1.5 GB पर डाटा मिलता है, आप देख सकते हैं चाहिए ये लिखे हुए हैं पूरे प्लान। आपको जो भी रिचार्ज करना है उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैं दोस्तों 1.5 GB पर डे नेट वाला प्लान मेरे को रिचार्ज करना, तो मैं क्या करूँगा 1.5 GB वाले क्लिक करूँगा यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों ये मुझे प्लान बता रहा है कि भाई 399 रुपये में 56 दिन के लिए, 555 रुपये में 84 दिन के लिए और 2121 रुपये में 365 दिन के लिए। और यहाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब मैं क्लिक करूँगा, मुझे मान लीजिए मुझे एक मंथ के लिए इसको करना है एक्टिवेट, तो मैं करूँगा 199 वाले प्लान पे क्लिक कर दूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद उसको करना कि आपके लिए बाय का आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों कुछ सेकंड वेट करना होगा आपके लिए, आपके सामने दोस्तों ऐसे कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, देखिए देखने को मिल रहा होगा आपके लिए, है दोस्तों। तो यहाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर आपका ऐसा मान लो ऐसा पेटीएम ऐड नहीं है सिम पे, तो आप पेटीएम को ऐड कर सकते हैं, डेबिट कार्ड को ऐड कर सकते हैं, नेट बैंकिंग ऐड कर सकते हैं। तो मेरा इसमें पेटीएम ऑलरेडी पहले से ऐड है ना, तो आप सिंपल इसमें से ऐड पर क्लिक करेंगे तो आपका पेटीएम भी ऐड हो जाएगा, उस पर ओटीपी जाएगी नंबर पर आपके, वो कनेक्ट हो जाएगा। तो मेरा ऑलरेडी इससे कनेक्टेड है नंबर पर मेरा पेटीएम, तो इसलिए ये दिख रहा है। आपको कर देना है वॉलेट टू पेटीएम से, अगर आप करना चाहें तो पेटीएम भी क्लिक कर सकते हैं, अगर डेबिट कार्ड से करना है डेबिट क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये पूरा बता देगा प्रोसेस आपके लिए, भरना पड़ेगा आपके लिए, लेकिन मैं वेट करूँगा थोड़ा सा वेट करेंगे अपन। ये देखिए दोस्तों यहाँ अपना क्रेडिट कार्ड नंबर भर सकते हैं, अगर आपको अपने एटीएम से करना हो ये पूरा भरने के बाद ये बात पे ले कर देंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पेटीएम से करूँगा। चलिए फिर से ट्राई करते हैं इसको, अपन रिचार्ज पे जाऊँगा, मैं आपको बता रहा हूँ रिचार्ज कैसे होगा पेटीएम से। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, थोड़ा सा वेट करते हैं अपन। ये देखिए दोस्तों मैं आऊँगा 1.5 GB वाले प्लान पे और बनना चूज कर लूँगा और बाय पे क्लिक करूँगा। और यहाँ दोस्तों मैं है ना सिर्फ पेटीएम से रिचार्ज कर रहा हूँ, आपको जिससे भी रिचार्ज करना हो, भीम से, नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से, जियो मनी, फोन पे, ये सब में ऑप्शन दिए देख सकते हैं आप। जैसे लिंक टू पे आप क्लिक करेंगे, जैसे मान लो फोन पे से आप करना है तो फोन पे लिंक टू पे करेंगे तो ये आपका नंबर मांगेगा फोन पे का, आप डाल दीजिएगा उस नंबर पे ओटीपी जाएगी तो उसमें डालेंगे तो आपका फोन पे से कनेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही मेरा पेटीएम उससे कनेक्टेड है तो मैं पेटीएम पे क्लिक कर दूंगा, क्लिक करने के बाद कुछ भी नहीं करना मुझे, इसको क्लिक कर देना है पे नाउ पे। देखिए दोस्तों पे नाउ पे क्लिक करेंगे अपन तो अभी कुछ सेकंड वेट करेंगे अपन। देखिए दोस्तों ये लिखा आ चुका है पेमेंट सक्सेसफुली, अब देखिए ये रिचार्ज हो चुका है मेरा पूरा मोबाइल जो सिम थी, मेरे को 1.5 GB पर डे का डाटा जियो सिम में मिल चुका है। अब मैं आपको इसको सेव कर लेता हूँ स्क्रीन शॉट को,
सेव कर लिया मैंने, अब इसको रन पे क्लिक कर दूंगा, इसको सबमिट कर सकते हैं आप रेटिंग देके। अब दोस्तों देखिए, अब आपको पूरा दिखाता हूँ फिर से, आप देखेंगे यहाँ पे अपन रिचार्ज के बारे में। देखिए अभी अभी लिखा आ चुका है, देखिए दोस्तों ये आ चुका है प्लान, मेरा पहले नहीं था प्लान, अब देखिए 199 प्लान है, 1.5 GB डाटा मिल चुका है मुझे। इस तरीके से आप माई जियो ऐप से रिचार्ज कर सकते हैं अपने जियो नंबर का। दोस्तों मुझे उम्मीद है अब आप लोग जान गए होंगे और सीख गए होंगे कैसे अपन माय जियो ऐप का यूज करके अपने जियो की सिम को रिचार्ज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो मैं आपसे आज निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, और जो नीचे बटन दिख रहा है सब्सक्राइब वाला उसको दबा के बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय माता दी।